सब्सक्राइब कीजिए ईएसए क्लासेस चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। एक्चुअली ये टाइम टाइम एंड डिस्टेंस का ही एक एक्सटेंशन है, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, इसमें कुछ नहीं होता। सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी है ये, जो कि पहले भी बता दी है मैंने। अगर किलोमीटर पर आवर में दी है स्पीड, उसको मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो, और मीटर पर सेकंड में दी है तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करो उसको किलोमीटर पर आवर में करने के लिए। ये तो पिछले चैप्टर में टाइम एंड डिस्टेंस में बताया मैंने। नेक्स्ट, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ट्रेन के बारे में होता यह है कि ऐसा बोलता है, आपको बोला जाता है कि ये एक पोल है और ऐसी कोई ट्रेन है जो कि इस पोल को पास करेगी। इस ट्रेन की लेंथ है यल, तो इसको इस पोल को पास करने में कितना टाइम लगेगा? पोल तो एक पॉइंट है, तो उसको तो क्रॉस करने के लिए 0 टाइम लगेगा। लेकिन बात ऐसी नहीं है, पोल पॉइंट है लेकिन ट्रेन को लेंथ है, तो ट्रेन क्रॉस कैसे करेगी? शुरू में तो ट्रेन सबसे पहले ऐसे आगे आएगी, राइट, लाइक दिस। अब इसने क्रॉस करना शुरू कर दिया पोल को, राइट। अब ये आगे क्या करेगी देखो ठीक तरीके से। नेक्स्ट सिचुएशन में ये देखिए, कुछ इस तरीके से क्रॉस करेगी इस पोल को, और जब ये इस पोल को क्रॉस करेगी, कंप्लीटली क्रॉस करके आगे आएगी, ये देखिए ये टाइम लग रहा है उसको, ठीक है ना। तो 0 टाइम नहीं लगता, बिकॉज ये जो ट्रेन है ना, ये पार्टिकल नहीं है, इसको ये खुद की लेंथ है बहुत ज्यादा। सो इस पोल को क्रॉस करने के लिए उसको, इस इंजन को यहां था पहले पोल के पास, उसको यहां तक लाना पड़ा। मतलब ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस यल व्हाइल क्रॉसिंग अ पॉइंट और अ पोल और अ मैन स्टैंडिंग और अ सिग्नल, ठीक है। इस तरीके से आपको यहां पे अगर टाइम दिया है टी, और पोल को क्रॉस करने के लिए उसको टाइम टी लगा, और उसकी लेंथ यल है, तो उसकी स्पीड जो है वो डिस्टेंस कवर्ड यल अपॉन टाइम टेकन टी, ऐसी होगी, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम टेकन बाय ट्रेन ऑफ लेंथ यल मीटर टू पास अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ बी मीटर। देखिए यहां पे क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसा जिसकी लेंथ है बी मीटर्स, और ट्रेन इसको पास करेगी जिसकी खुद की लेंथ है एल मीटर्स। ये देखिए ये ट्रेन, इसकी खुद की लेंथ है एल मीटर्स। अगर ये पार्टिकल होता, ट्रेन नहीं होती और पार्टिकल होता, तो पार्टिकल को इस ब्लॉक को या फिर ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने के लिए सिर्फ बी डिस्टेंस ही क्रॉस करना होता। लेकिन ट्रेन को किस तरीके से क्रॉस करना है, देखिए ट्रेन कुछ इस तरीके से क्रॉस करेगी ऑब्जेक्ट को। देखिए शुरू हो गया क्रॉस करना, चलिए डिस्टेंस कितना कवर किया अभी तक, अब तक किया बी डिस्टेंस कवर, लेकिन अभी तक पूरा ऑब्जेक्ट को क्रॉस नहीं किया इस ट्रेन ने। लेकिन पार्टिकल होता तो बी डिस्टेंस कवर करने के बाद उसने ऑब्जेक्ट को क्रॉस किया होता, बट इन केस ऑफ द ट्रेन दिस इज नॉट ट्रू। इन केस ऑफ द ट्रेन, ट्रेन हैज टू टेक इट्स लास्ट बोगी बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट, राइट। सो अभी देखिए ये क्रॉस कर रही है, येलो बी लेंथ तो क्रॉस कर ली उसने, अब ये खुद की लेंथ क्रॉस करेगी अब ये, तो देखिए अब हो गई ये ट्रेन इस ऑब्जेक्ट के परे। बात समझ में आ रही ना, ये क्या हुई, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ बी। तो ट्रेन ने किया क्या, ट्रेन सबसे पहले थी कहां पे, देखिए पहली इनिशियल सिचुएशन और फाइनल सिचुएशन अभी मैं निकाल लेता हूं। तो देखिए ट्रेन पहले क्रॉस करने से पहले इस पोजीशन में थी, और क्रॉस करने के बाद इस पोजीशन में है, तो टोटल ट्रेन ने कितना क्रॉस किया, देखिए यहां से शुरू हुआ ट्रेन का इंजन, और ये ऐसा ऐसा करते करते ये देखिए यहां तक पहुंचा, मतलब अगर ये देखिए यहां तक पहुंचा, तो इंजन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपको पता है, इंजन ने ये बी डिस्टेंस और ये पूरा यल डिस्टेंस, मींस इस बी ऑब्जेक्ट को
बी लेंथ वाले ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को एल प्लस बी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन पार्टिकल को ऐसा नहीं करना पड़ता, उसको सिर्फ बी डिस्टेंस ही ट्रेवल करना पड़ता है। ये तो मैंने बताई है, अगर दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी होती है, एक की स्पीड यू है दूसरी की वी है, तो यू माइनस वी, और जो भी बड़ी है उससे छोटी को निकाल लो या फिर इसका मॉड्यूलस ले लो। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव हो रही है, इसकी यू है इसकी वी है, ओ सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में है तो एडिशन हो जाएगा, और सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी विल बी इक्वल टू यू माइनस वी मॉड। यहां मॉड लेने की जरूरत नहीं है, यहां मॉड क्यों लिया, क्योंकि कौन बड़ा है ये पता नहीं है, आंसर पॉजिटिव आने के लिए। अब आगे देखिए, दो ट्रेन्स है, एक की लेंथ है ए मीटर्स, देखिए ये ट्रेन, इसकी लेंथ है ए मीटर, और दूसरी ट्रेन है इस तरीके से, इसकी लेंथ है लेटेस्ट से बी मीटर, सो दिस इज बी दिस इज ए, और इन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसकी स्पीड है यू मीटर पर सेकंड और इसकी स्पीड है वी मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में, तो इनको क्रॉस करने के लिए टाइम कितना लगेगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि यहाँ रिलेटिव स्पीड ले लो आप, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड आएगी आपकी यू प्लस वी। रिलेटिव स्पीड लेने के बाद आपको क्या, आप क्या कर सकते हैं, एक ट्रेन को आप क्या करो स्टेशनरी पकड़ लो और दूसरी ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है ऐसा समझ लो। अब ये दिखाने के लिए मैं इसको थोड़ा कॉम्प्रेस कर लेता हूं, देखिए अब हम मान लेते हैं कि ये ट्रेन स्टेशनरी है तो सिर्फ ये ट्रेन मूव करेगी, लेकिन ये जो ट्रेन मूव करेगी वो वी स्पीड से नहीं, अब ये यू प्लस वी की स्पीड से मूव करेगी, क्योंकि इसको हमने स्टेशनरी माना है। तो कैसे क्रॉस करेगी, देखिए शुरू हो गया क्रॉस करना, तो इंजन देखिए पहले यहां था इस पॉइंट पर, अब इंजन यहां आ गया, मतलब इसने अभी तक डिस्टेंस ए ट्रैवल कर लिया, ठीक है समझ गए ना आप, यहां था पहले यहां आ गया, अब जाएगा आगे, यही इंजन कैसे आगे जाएगा देखिए, ये इस तरीके से अभी तक ए डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था, अब इसने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया बी डिस्टेंस ट्रैवल, ये हो गई दोनों ट्रेन एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस। देखिए पहले यहां थी फिर यहां आ गई फिर इधर, ठीक है तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया ये देख लेते हैं, अभी इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो ये देखिए, ये इसके ऊपर वाली जो है ना, ये है इनिशियल पोजीशन ऊपर वाली और नीचे वाली फाइनल है, तो टोटल लेंथ देखिए, इसका इंजन यहां पे था और यहां से चल के चल के चल के चल के यहां तक आ गया, देखिए ये इंजन, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया ये, और यहां से यहां तक जो कि है इसकी लेंथ बी, सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है ए प्लस बी, सो स्पीड टाइम टेकन क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो आ गया ए प्लस बी और स्पीड तो रिलेटिव लेनी है मैंने बोला, जो कि है यू प्लस वी अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए सो द टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर विल बी ए प्लस बी अपॉन यू प्लस वी, कुछ इस तरीके से। अगर यही ट्रेन्स सेम डायरेक्शन में मूव हो रही है, सिंपल सी बात है, तो वहां पे रिलेटिव स्पीड बस चेंज हो जाएगी, यू प्लस वी के जगह पर यू माइनस वी हो जाएगी, डिस्टेंस तो ए प्लस बी ही ट्रेवल करना होगा, तो टाइम टेकन इन दैट केस विल बी ए प्लस बी अपॉन यू माइनस वी, सेम डायरेक्शन है तो, ये वाली ट्रेन और दूसरी ट्रेन ये दोनों क्या कर रही है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, ओके तो रिलेटिव डिस्टेंस तो ए प्लस बी ही कवर करना पड़ेगा। और जब आप रिलेटिव स्पीड लेते हो, कभी भी याद रखना है किसी भी क्वेश्चन में,
बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड से करने पड़ते हैं। तब रिलेटिव स्पीड लेने के बाद आप क्या करते हो, इसकी स्पीड फॉर एग्जांपल यू है, इसकी वी है, तो आप एक को स्टेशनरी बना देते हो, इसको आपने रोक दिया, मतलब ये मूव होगी ही नहीं, ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के बाद इसकी स्पीड यू माइनस वी होनी चाहिए, राइट? रिलेटिव स्पीड लेनी चाहिए। जब आप रिलेटिव स्पीड लेते हो तो एक को आप रोक के रखो, एक ऑब्जेक्ट को, और दूसरे को भगाओ। अपोजिट डायरेक्शन है तो भी ऐसा ही कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को रोक के रखो, फॉर एग्जाम्पल इसकी स्पीड 5 है, इसकी स्पीड 10 है, तो इस ऑब्जेक्ट को रोक के रखो तो इसको भगाओ। लेकिन इसको भगाने, इसको 10 से नहीं भगाएंगे, इसको भगाएंगे हम 15 से, मतलब दोनों के एडिशन से, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। अब यहाँ देखिए क्या है, दो ट्रेन स्टार्ट हुई है दो स्टेशन से, राइट? यहाँ पे एक स्टेशन है ए पॉइंट पर, यहाँ पे एक स्टेशन है बी पॉइंट पर, राइट? तो ए ट्रेन से ट्रेन ए चली, बी से ट्रेन बी चली, दोनों एक दूसरे की तरफ चली, ये यहाँ पे कहीं पे तो मिल गई सी पॉइंट पे, राइट? अब ये दोनों ट्रेन मिली, अब यहाँ पे इनकी लेंथ कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू देयर लेंथ, सो ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? सो यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट आप पकड़ सकते हो। और बोला क्या है कि बी देखिए यहाँ पे आई है, मैं ए को जरा ट्रायंगुलर शेप दे देता हूँ, ये देखिए ये ऐसी है, बी इस तरीके से है सर्कुलर। तो एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद इस ए को इधर जाने के लिए टाइम लगता है ए सेकेंड, और बी को यहां से इधर पहुंचने के लिए टाइम लगता है 20 सेकेंड। देन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज रूट ए, रूट बी इज टू रूट ए। देखिए बहुत ये मैथमेटिकल आप लगा के कर सकते हो, थोड़ा लॉजिक लगा के, राइट? तो सबसे पहले ए की स्पीड को मैं मानता हूं स्पीड ऑफ ए, बी की स्पीड को हम ऑफकोर्स मानेंगे स्पीड ऑफ बी। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो एक्स है और टोटल डिस्टेंस डी है, तो ये ऑफ कोर्स डी माइनस एक्स होगा। तो इस एक्स डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए इस बी ट्रेन को 20 सेकेंड्स लगे हैं, तो स्पीड ऑफ बी विल बी डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, दैट इज एक्स, ये यहां से यहां तक, टाइम टेकन बाय बी, दैट इज 20 सेकेंड। एंड स्पीड ऑफ ए विल बी डी माइनस एक्स अपॉन स्पीड ऑफ ए, ये तो हो गया यहां से यहां तक। लेकिन ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, लेकिन ये जो एक्स डिस्टेंस है, ये ट्रेवल करने के लिए इस ए ट्रेन को लेट अस से टाइम टी लगा। लेकिन जब तक ये ट्रेन सी पॉइंट तक पहुंची, उसी समय में ये बी ट्रेन सी पॉइंट तक पहुंची, मतलब टू रीच द पॉइंट सी ट्रेन ए एंड ट्रेन बी बोथ रिक्वायर टाइम टी, ठीक है? अब डिस्टेंस एक्स कैन बी गिवन एज, एक्स डिस्टेंस पहले किसने ट्रेवल किया है, ए ट्रेन ने, बाद में ट्रेवल किया यहां से इधर बी ट्रेन ने। सो पहली केस में, ये तो सेकंड केस लगा दी हमने क्रॉस करने के बाद, आफ्टर क्रॉसिंग। अभी बिफोर क्रॉसिंग सेकंड केस, फर्स्ट केस, बिफोर क्रॉसिंग ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है ट्रेन ए ने टी टाइम में, तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय टी। वैसे ही ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है बी ट्रेन ने, तो वो डिस्टेंस हो जाता है स्पीड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय टाइम टी। हम इसको वाई मान लेते हैं, चलिए, तो इधर भी वाई आएगा। तो सिंपल सी बात क्या आ रही है, एक्स अपॉन वाई, इन दोनों को अगर डिवाइड करोगे आप तो ये टाइम तो कैंसिल हो जाएगा, कॉमन है, अपॉन एस ए अपॉन एस बी आ जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब इधर देखो, इन दोनों को डिवाइड कर दो यहां पे, तो एस ए अपॉन एस बी विल बी इक्वल टू,
यस ए मतलब वाई बाई ए, यस बी का मतलब क्या है भाई, एक्स बाई बी। तो आपके पास क्या आता है, यस ए अपॉन एस बी इज वाई बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई बी अपॉन ए। तो वाई अपॉन एक्स देखिए इधर क्या है, वाई अपॉन एक्स, या फिर तो वाई अपॉन एक्स इधर एक्स अपॉन वाई है, इसको उल्टा कर दो आप। तो सिंपल सी बात है, यस ए इधर आए, यस ए अपॉन यस बी इक्वल टू ये वाई अपॉन एक्स, मतलब यस ए नहीं यस बी अपॉन यस ए होगा, उल्टा करना होगा इसको, मल्टीप्लाइड बाय बी अपॉन ए। सो इधर जाएगा, इधर जाने पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यस ए स्क्वेयर अपॉन यस बी स्क्वेयर विल बी इक्वल टू बी बाई ए। सो सिंपल सी बात है, यस ए अपॉन यस बी दोनों साइड का स्क्वेयर रूट लेना होगा ना, रूट बी अपॉन रूट ए आएगा। सो रेशियो आपका क्या है, रूट बी इज टू रूट ए। सो दिस इज द आंसर, ये देखिए राइट।